नमस्कार, हमारी आज की कहानी है बूढ़ा पिता कबाड़ नहीं होता। लीजिए शर्मा जी, खीर बनाई है आपके लिए। अरे भाग्यवान, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो सच में खीर बना दी। तुम भी ना मजाक, 2 दिन से खीर की रट लगाए हो क्या? मैं नहीं जानती आपको, कुछ दिन खीर ना मिले तो बेचैन हो जाते हैं और अब कहते हैं मजाक कर रहा था। वाह, क्या खीर बनाई है आपने श्रीमती जी, एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपके हाथों की खीर में जो स्वाद है वो दुनिया के लजीज लजीज व्यंजनों में भी नहीं। आप है ना कुछ भी बोलते हैं, शर्माती आँखों वाला मुस्कुराता हुआ शांति जी का चेहरा शर्मा जी के मानस पटल पर प्रतिबिंबित हो रहा था कि छोटे बेटे अभिषेक की आवाज ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। बाबूजी, ओ बाबूजी। शर्मा जी, जो अपनी पत्नी शांति की मीठी यादों में खोए हुए थे, अचानक से बेटे की आवाज सुनकर ना चाहते हुए भी अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गए। हाँ हाँ, बोलो बेटा। बाबूजी, हम घर पहुँच चुके हैं, चलिए आइए। कार के दरवाजे से बाहर निकलते हुए उनके छोटे बेटे ने कहा। रिटायर्ड शिक्षक शर्मा जी के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। तीनों बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। बड़ा बेटा सुनील और छोटा बेटा अभिषेक है। बड़े बेटे और बहू के साथ उनके कुछ खास अच्छे अनुभव नहीं रहे थे, सो अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार और 13वीं के बाद गांव छोड़कर अपने छोटे बेटे बहू के घर आए हुए हैं। शर्मा जी, दरअसल ये घर शर्मा जी ने ही खरीद कर दिया था अपने छोटे बेटे को, ये सोचकर कि रिटायर होने के बाद दोनों वृद्धजन अपना बुढ़ापा आराम से काटेंगे। अपने बेटे बहू के साथ एक कमरा अपने और अपनी पत्नी के रहने के लिए भी बनवाया था शर्मा जी ने इस घर में, लेकिन 2 साल हो गए थे उन्हें अपनी नौकरी से रिटायर हुए, पर वे अभी तक गांव में ही रह रहे थे। शांति जी अपने पति को ये कहकर शहर आने से हमेशा रोक देती थी कि क्यों बेटे बहू की जिंदगी में दखल देना यही ठीक है, सारी जिंदगी तो हम लोगों ने यही गुजारी है, जो थोड़ी बहुत बची है उसे भी यहीं रहकर गुजार लेंगे। शर्मा जी का दिल तो करता था मुंबई आकर बेटे बहू के पास रहने का, लेकिन पत्नी के रोकने पर उनकी यह इच्छा मर जाती थी। लेकिन अब शांति जी भी नहीं थी, इसलिए शर्मा जी भी उनके बिना अकेले से हो गए थे, तो अपने बेटे बहुओं के कहने पर उनके साथ मुंबई चले आए। घर में घुसते ही शर्मा जी के पैर एक गुदगुदे मैट पर पड़े और वे ठिठक कर पीछे हो गए। सहमे हुए कदमों से चलते हुए अंदर आए। मखमली और आरामदायक सोफे पर जैसे ही बैठे तो लगा मानो स्वर्ग यही हो। घर की तो काया पलट कर दी। बेटा, तुमने जब खरीदा था तब तो बहुत अलग दिखता था। पूरे घर को हैरानी भरी निगाह से निहारते हुए बाबूजी बोले, तो बेटे ने जवाब दिया, जी हाँ बाबूजी, कुछ समय पहले ही तो रिपेयर करवाई थी और नया फर्नीचर खरीदा था। इतना आरामदायक घर है, सोचते हुए शर्मा जी मन ही मन अपनी पत्नी शांति से बात करने लगे। शांति, अगर आज तुम होती तो अपना ये घर देखकर कितनी खुश होती। ये आलीशान घर, आरामदायक फर्नीचर और नर्म नर्म सोफे, तुम्हारी छोटी बहू ने शरबत भी बना कर दिया है मुझे। अब तुम मेरी चिंता मत करना, आइए बाबूजी, आपका सामान रख देता हूँ, छोटे बेटे ने कहा, तो बाबूजी मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर देखने लगे। अंदर देखा तो बड़ा सा आरामदायक बेड सजा था उनके कमरे में, लेकिन ये क्या, अभिषेक तो बाबूजी का सामान लेकर सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। बेटा, पर मेरा कमरा तो ये है ना? नहीं बाबूजी, दरअसल आपकी बहू मीना का भाई आजकल ट्रेनिंग के लिए इस शहर में आया हुआ है, अक्सर घर पर आता रहता है तो इसी कमरे में रुकता है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे तो अभिषेक ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी ये है घर का कबाड़खाना, जहां घर की सारी टूटी फूटी बेकार वस्तुएं एकत्रित कर दी जाती हैं और दिवाली के त्योहार पर इसकी सफाई कर दी जाती है। यहां ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। बाबूजी ने देखा कि उसी कबाड़खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है। यहाँ अभी कुछ खास सामान नहीं पड़ा है,
इसलिए आपके रहने की व्यवस्था यहीं कर दी है। क्या हुए अभिषेक ने उस चारपाई पर बाबूजी का सामान रख दिया। शर्मा जी के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपने कानों और आँखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें ऊंचाई पर ले जाकर जमीन पर धम से पटका हो। उन्होंने पलट कर देखा तो अभिषेक अपना कर्तव्य निभाकर उन्हें अकेला छोड़कर नीचे जा चुका था। सब देखकर बाबूजी से खुद को संभाल पाना मुश्किल हो गया। वे उसी चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि ये कैसी आधुनिक व्यवस्था है, जहां बच्चों के लिए तो अलग कमरा है, यहां तक कि आने जाने वाले मेहमानों के लिए भी अलग कमरे की व्यवस्था है, लेकिन घर के बूढ़े बाप के लिए नहीं। मेरे लिए ये कबाड़ का कमरा कहते हुए अपने संदूक में से अपनी पत्नी की तस्वीर निकाली और अपनी चारपाई के पास रखे हुए एक बेंच पर रख दी। कोई और हो या ना हो, तुम तो मेरे साथ हमेशा रहोगी शांति, कहते हुए उनकी आंखों के कोर से आंसू बह निकले। सोचने लगी जब अपनी 35 साल की नौकरी पूरी करके सरकारी स्कूल से रिटायर हुआ था तो इस दिन की कल्पना भी नहीं की थी कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। जहाँ भी जाता था लोग मास्टर जी कहकर कितना सम्मान देते थे। इतनी इज्जत पाकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। अपना गांव छोड़ने का तो मन ही नहीं होता था, लेकिन पत्नी के जाने के बाद दोनों बेटों की दलीलों के आगे मैंने समर्पण कर दिया। आप वैसे भी बीमार रहते हैं, अकेले कैसे रहेंगे, खाना कौन बनाएगा, वगैरह वगैरह। अपनी इज्जत का वास्ता देकर गांव छोड़कर शहर आने को मना लिया और ले आए मुझे यहां कबाड़ बनाकर कबाड़ खाने में रखने के लिए। मेरी भी मति मारी गई थी कि मैं गांव का मकान और जमीन बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को कह आया, नहीं अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूं। कहते हुए शर्मा जी ने अपनी आँखों के आंसू पोंछे और हाथ मुंह साफ करके नीचे उतरने लगे। नीचे से रह रहकर हंसी ठिठोली की आवाज आ रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उन्होंने देखा कि अभिषेक अपनी पत्नी मीना और अपने साले के साथ मजाक मस्ती कर रहा था। सभी शाम की चाय का आनंद लेते हुए हंस बतिया रहे थे। जैसे ही बाबूजी आए सब लोग सकपका गए। बाबूजी भी चाह रहे थे कि इस मनोविनोद में भाग लें, लेकिन उनके आते ही सभी को कुंठित होते देखकर उनका मन और उदास हो गया। देखा कि अभिषेक के दोनों बच्चे पार्क जाने की जिद कर रहे थे तो बाबूजी उन्हीं के साथ पार्क चल दिए। पार्क में खेलते हुए बच्चों को देखकर कुछ समय के लिए बाबूजी अपने दुखों को भूल गए थे और उनकी मस्ती में शामिल हो गए। जैसे तैसे बाबूजी को धीरे धीरे शहर में रहने की आदत पड़ रही थी, लेकिन वो अच्छी तरह महसूस कर पा रहे थे कि उनके बेटे अभिषेक को अपने बाबूजी की उपस्थिति में असहजता महसूस हो रही थी। गांव से आए बाबूजी उन्हें अपने शहरी माहौल में फूहड़ प्रतीत हो रहे थे। एक दिन जब अभिषेक के दफ्तर से कुछ साथी घर पर आए थे तो बाबूजी लुंगी और बनियान पहने सोफे पर बैठे हुए थे। बेटे के सभी दोस्तों ने उनसे अच्छे से बातचीत की, लेकिन अभिषेक को बाबूजी के पहनावे से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अपने दोस्तों के जाते ही छोटे बेटे अभिषेक का गुस्सा बाबूजी पर फूट पड़ा और उन्हें अपने कमरे में यानी कि कबाड़ खाने में ही रहने की सख्त हिदायत दे दी गई। यूं ही दिन बीत गए और धीरे धीरे बाबूजी ने भी अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। बाबूजी ने अब सब्जी और दूध लाने की जिम्मेदारी खुद ही अपने कंधों पर ले ली और कभी कभी बच्चों को भी स्कूल छोड़ने के लिए बस स्टॉप तक ले जाते थे। खाली बैठकर उदास होने से तो ठीक ही था कि थोड़ा टहल भी आते थे। बच्चों के साथ थोड़ा मस्ती मजाक भी हो जाता था और अपने हम उम्र लोगों के साथ कुछ बातचीत भी। आज सुबह जब बाबूजी रोजाना की तरह जागे तो इलायची बादाम वाला दूध पीने की इच्छा मन में हिलोरे ले रही थी। इतने में बहू की आवाज आई, लीजिए बाबूजी चाय। कहते हुए मीना चाय का प्याला बाबूजी के हाथों में थमाकर चली गई थी। देखा तो कप में वही काले रंग का शहरी काढ़ा था जिसे पीना शहरी लोग अपना स्टेटस सिंबल समझते थे। गांव में रोज सुबह पत्नी के हाथों इलायची वाला दूध पीने के आदि बाबूजी ने अपनी इच्छा मन ही मन में दबा दी, लेकिन हिम्मत नहीं हो कि बहू को ये कह दी कि
आज चाय नहीं दूध पीने का मन है। होती भी कैसे? पहले एक बार बाबूजी ने दूध मांगा था तो बहू ने दूध तो दिया था, पर नाक भान सिकोड़कर ऐसे भाव दिखाए कि जैसे किसी गंवार से पाला पड़ा हो। सोचते सोचते शर्मा जी ने घड़ी की तरफ देखा। दूध लाने का समय हो रहा था। बाबूजी ने जल्दी से चाय की चुस्कियां ली और नीचे उतर आए। सोचा यदि देर हो गई तो दूध नहीं मिलेगा और फिर बहू की चार बातें भी सुननी पड़ेंगी। बाबूजी को नीचे आते देख छोटी बहू मीना ने मेज पर थैला और 200 रुपए रख दिए। दूध लेने के लिए जा ही रहे थे कि देखा बच्चे भी स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। चलो बच्चों, आज तुम्हें बस स्टॉप पर मैं छोड़ देता हूँ। नहीं बाबूजी, बच्चों को मैं छोड़ दूंगी, आप जाइए, छोटी बहू हड़बड़ाते हुए बोली। बाबूजी समझ गए कि बहू बच्चों को उनके साथ क्यों नहीं जाने देना चाहती। उन्होंने अपनी बहू को कहते भी सुना था, गवार बाबूजी के साथ रहकर मेरे बच्चे भी गांव की भाषा और तौर तरीके सीखते जा रहे हैं। बाबूजी थैला और पैसे उठाकर दूध लेने के लिए निकल पड़े और अपनी स्वर्गीय पत्नी शांति जी से बात करते जा रहे थे। आप तो भाग्यशाली निकली जो केवल बड़े बेटे और बहू का अपमान झेलकर स्वर्ग सिधार गई। शर्मा जी के दिल में अपने बड़े बेटे सुनील के घर बिताए कुछ दिनों की कड़वी यादें ताज़ा हो गई। किस तरह से बड़ी बहू खाने का सामान भी छिपाकर रख देती थी ताकि हम बूढ़े न खा पाएं। एक दिन सोफे पर बैठकर जब अखबार पढ़ते हुए मैं दातून चबा रहा था तो सुनील ने टका सा जवाब दे दिया था, बाबूजी ये शहर है आपका गांव नहीं। दांत साफ करने हैं तो बाथरूम में जाकर कीजिए। आपको देखकर बच्चे क्या सीखेंगे? चार दिन में वापस अपने गांव लौट आए थे। दोनों पिछली यादों के सैलाब में डूबे शर्मा जी को पता ही ना चला कि कब दूध की दुकान पर पहुंच गए। दूध के पैकेट खरीदकर जैसे ही मुड़े तो बेटी का फोन आ गया। कैसे हैं बाबूजी? दरअसल मुझे आपकी चिंता हो रही थी, सोचा फोन करके हालचाल पूछ लूं। इतने दिनों बाद किसी अपने की स्नेह भरी बातें सुनकर शर्मा जी की आंखें भर आई। रुंधे गले से बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मुझे क्या हुआ है? तेरे भाई भाभी मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होने देते, तू बस अपना ख्याल रखना। कहते हुए बाबूजी ने जल्दी से फोन काट दिया। उन पर क्या बीत रही थी? वो अपनी बेटी को बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहते थे। फोन काटते ही उनकी रुलाई फूट पड़ी। काश यही प्यार और अपनापन मुझे अपने दोनों बेटों से मिल पाता, सोचते हुए बाबूजी ने खुद को संभालते हुए फिर से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। वाकई किसी के कंधों पर आश्रित रहकर बुढ़ापा काटना कितना मुश्किल है, वो भी जब पति पत्नी में से एक चला जाए तो जीवन बोझ सा लगने लगता है। शर्मा जी सोचने लगे, शांति जी तो स्वर्ग सिधार गई। अच्छी भली तो थी बेचारी, बस हल्का सा बुखार और सिर दर्द हुआ था। एक दिन रात को सोई और अगले दिन उठे ही नहीं। चलो अच्छा ही है, इस दुनिया से सुहागिन आपके कंधों पर जाओ, यही तो कहती थी वह हमेशा। और फिर पता नहीं मेरे बाद अगर वह अकेली रह जाती इस दुनिया में तो क्या हाल होता उसका। मैं तो अपमान के घूंट पीकर जैसे तैसे रह रहा हूँ। इन लोगों के साथ अपनी पीड़ा और वेदना को दिल के किसी कोने में छिपाए। बाबूजी घर के बाहर आकर खड़े हुए। तेजी से चलने के कारण उनकी सांस फूल रही थी, इसलिए कुछ पलों के लिए दरवाजे पर ही रुके। जैसे ही डोर बेल बजाने के लिए हाथ उठाया, अंदर से आती कुछ आवाजें कानों में पड़ी। आप बड़े भैया को क्यों नहीं कहते? बाबूजी को ले जाने के लिए वैसे भी 6 महीने हो चुके हैं उन्हें यहाँ रहते हुए। प्रॉपर्टी में हिस्सा तो वो भी लेंगे ना, तो बाबूजी की जिम्मेदारी केवल हम ही क्यों उठाएं? छोटी बहू मीना की आवाजें बाहर तक आ रही थी। चिल्ला क्यों रही हो? लगा तो रहा हूँ फोन। अरे भैया, बाबूजी का क्या करना है? मतलब 6 महीने हो गए उन्हें हमारे घर आए, लेकिन आप और भाभी तो उन्हें ले जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये सुनने की देर थी कि शर्मा जी को जैसे झटका सा लगा।
दूध का थैला और बाकी बचे पैसे उन्होंने दरवाजे के बाहर ही रख दिए। लड़खड़ाते कदमों से वो घर के सामने वाले पार्क तक आए और बेंच पर बैठ गए। शायद मेरी किस्मत में ये भी देखना लिखा था। दूसरे घर की लड़कियों का क्या दोष निकालूं जब अपने बेटे ही स्वार्थी निकले। कहते हुए बाबूजी अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगे। इतने में उनके गांव से उनके मित्र व प्रॉपर्टी डीलर दीनानाथ का फोन आया, जिसे बाबूजी ने अपना गांव का मकान और जमीन बेचने की जिम्मेदारी दी थी। अरे शर्मा जी, कैसे हैं आप? आपके गांव वाले मकान का खरीदार मिल गया है। शर्मा जी, जो अपने बेटों द्वारा दिए गए जख्मों से पूरी तरह टूट चुके थे, रुआंसी आवाज में बोले दीनानाथ, मैं गांव वापस आ रहा हूँ। उन्होंने दीनानाथ जी को सारा हाल कह सुनाया। थोड़ी देर मित्र से बात करने के बाद शर्मा जी ने कुछ फैसला लिया। मन ही मन उन्होंने कुछ ठान लिया था। पूरे मनोबल के साथ वे घर की ओर बढ़े और डोर बेल बजाई। बाबूजी, आप तो बड़े लापरवाह निकले और दूध की थैली और बचे हुए पैसे घर के बाहर छोड़कर कहाँ चले गए थे? दरवाजा खोलते ही छोटी बहू चिल्लाई। बाबूजी बिना एक शब्द बोले अपने बेटे और बहू की तरफ देखते रहे। सीढ़ियों की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक छोटे बेटे की आवाज सुनकर रुक गए। अरे हाँ बाबूजी, आप अपना सामान पैक कर लीजिए, शाम को भैया आ रहे हैं आपको अपने घर ले जाने के लिए। बाबूजी तो जैसे इसी बात का इंतजार कर रहे थे। पूरे आत्मविश्वास के साथ पीछे मुड़ते हुए बाबूजी बोले, सामान पैक मैं नहीं, तुम करोगे क्या? क्या मतलब है आपका? छोटी बहू चिल्लाई, मतलब भी समझा देता हूँ। शायद तुम लोग ये भूल चुके हो कि ये मकान मैंने खरीदा था। हम सब लोगों के रहने के लिए, और आज भी ये घर मेरे नाम पर है। इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, ये मैं तय करूंगा। तुम लोग नहीं, मेरी खून पसीने की कमाई से खरीदे हुए इस घर में मुझे ही टीन की छत वाला कबाड़ खाना दे दिया रहने के लिए, और यहाँ तुम्हारे लिए आलीशान बेड और एयर कंडीशनर की हवा। बस बहुत हुआ, 15 दिन का समय है तुम्हारे पास इस मकान को खाली करने के लिए। तो क्या आप अकेले इस मकान में रहेंगे? बेटा बोला, जी नहीं, इस मकान को बेचकर मैं वापस अपने गांव जा रहा हूँ, अपने पुराने मकान में जहाँ मेरी पत्नी की यादें बसती हैं। कम से कम वहाँ मैं अपने पुराने मित्रों के साथ बैठकर हालचाल तो बांट सकता हूँ। बाबूजी, आपने तो हमें पल में पराया कर दिया, बेटा बहू गिड़गिड़ाने लगे। ये फैसला लेने से पहले इतना भी नहीं सोचा कि इतनी जल्दी हम रहने का इंतजाम कैसे करेंगे। पराया किसने किसको किया है, ये तुम कभी आराम से बैठकर सोचना। और तुम्हारा पिता अभी इतना कठोर दिल नहीं हुआ, इसलिए जब तक तुम्हारा इंतजाम कहीं और नहीं हो जाता, तब तक तुम ऊपर टीन की छत वाले कबाड़ खाने में रह सकते हो। मुझे इससे भी कोई एतराज नहीं होगा। बेटा बहू हक्के बक्के होकर पिताजी की तरफ लगातार देख रहे थे, और बाबूजी गजब के आत्मविश्वास के साथ अपने उस कमरे की तरफ बढ़ गए जो उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। आज पहली बार उन्हें मखमली गैदों पर सुकून से लेटने का सौभाग्य मिल रहा था। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी अपनी मनमर्जी का जीवन जीना चाहती है, बंदिशों से स्वतंत्र रहना चाहती है, जन्म देने वाले माता पिता का हस्तक्षेप भी नहीं चाहती, जबकि माँ बाप की सेवा करना ईश्वर की इबादत करने से भी कहीं ज्यादा होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।